क्योंकि इस घोर कलयुग में समय निकालना बहुत ही कष्ट है, क्योंकि सभी लोग रिश्तों में संबंधों में अपने समय को दे रहे हैं। किसी ने कहा है, मनुष्य आधा रिश्ता तो इस तरह निभाता है कि कभी इनसे काम पड़ेगा, आधा रिश्ता तो इस तरह निभाता है कभी इनसे काम पड़ेगा। लेकिन बाबा हमको दिल का रिश्ता, दिल से रिश्ता निभाने का यहाँ पर बताते हैं। हमारे रिश्तों में कोई अपवित्रता, स्वार्थ, अशुद्धता है ही नहीं। इसलिए एक बहुत सुंदर जीवन जीने का जो कंसेप्ट हमको बाबा यहाँ पर देते हैं। तब आप सभी बाबा के बच्चे, ये कभी आप जाएंगे बिरला, वहाँ पर एक कम्बे पे लिखा हुआ है कि सृष्टि के आदि में समाज के लोग एकत्रित होकर, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग एकत्रित होकर संगठन रूप में परमात्मा को याद किया करते थे। अभी भी आप जाके पढ़ लीजिए। तो ये कौन लोग हैं? विभिन्न वर्ग के, यहाँ कोई जात पात धर्म कोई नहीं, सब बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं। और वो विभिन्न वर्ग से, समाज से आके संगठित होकर एक संकल्प से सृष्टि के आदि, संगे में आदि भी है और अंत भी है। जैसे कोई वृक्ष गिरता है तो उसका अंत भी होता है, उसका बीज से आदि भी शुरू हो जाता है। हम दोनों साइड में, जैसे शाम को क्या होता है, दिन का समाप्ति होती है, फिर सुबह होता है इधर दिन का, या सुबह क्या होता है, दिन का समाप्ति की तरफ हम खड़े और इधर शुरुआत में भी हम लोग खड़े हैं दिन का शुरुआत। तो वो महान आत्माएं जब जब संगठित होकर बाबा को याद करते हैं, योग लगाते हैं, एक वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव हो जाता है, सबका संकल्प जो है पवित्र हो जाता है। फिर यहाँ का हॉल का वायुमंडल जो है पवित्र हो जाता है। इसके बाद ये वाइब्रेशन पूरे चारों दिशाओं में फैलता है। जैसे एक तालाब में भी कंकड़ फेंको, उसका जो वेव्स होता है, तरंगे होता है, पूरा तालाब में फैल जाता है। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक चिंतन करते हैं, ये पूरी यूनिवर्स में फैलता है। जो जो पॉजिटिव आत्माएं हैं उसको तो ये फ्रिक्वेंसी में मिल ही जाता है, जो नेगेटिव है उनको शांति मिलती है, उनको शक्ति मिलती है। तो आप समझ लीजिए, अगर इस दुनिया में कोई अशांति लोग है, उसको अगर हम शांति का दान दे रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ा पुण्य का काम है ही नहीं। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में, पूरा जीवन में देखो, हर कोई आपको अशांत करने में लगा हुआ, क्या हर कोई आपको इसमें लगा है, शांति देने में लगा है, अशांत करने में लगा है, माताएं अच्छा अशांत, और आपका क्या काम है, आप अब किसमें लग गए, शांति। तो इससे बड़ा पुण्य का काम है दुनिया, किसी को मन को शांति मिले। क्योंकि आजकल संबंधों में इतनी कड़वाहट है, अगर आप आज से 50 साल पहले जाओ, उस समय संसाधन नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, लाइफ का स्टैंडर्ड नहीं था, लग्जरियस नहीं था, लेकिन मॉरलिटी, सुख, शांति, प्रेम, सहयोग, विश्वास इतना सुंदर था कि रोम रोम कड़े हो जाते। आज हम ऊपर से भरपूर, अंदर से खोखला है, सही बात है, ऊपर से भरपूर अंदर से, क्या कहते लोग, हम किसी से कम नहीं, लेकिन हमारे अंदर दम नहीं है। ये एक वाइब्रेशन फैलता जा रहा है। इसीलिए अब हमें एक बहुत सुंदर बाबा ने जीवन दिया है, इसको सफल करना है। आप सभी परमात्मा का जो वर्षा है, प्रॉपर्टी है, उसका हकदार है। कौन है? उसका हकदार है। ये डायरेक्ट आपको मिलेगा, आपको बाबा एलिजिबल, इतना अच्छा तैयार करे हैं, अगर उन्हें देना है तो आप ही को देंगे और सब भक्ति का फल मिलता है। तो आप कितने भाग्यशाली हैं, आप सोचिए। अभी एक कहानी, एक इस्लाम कंट्री में घटना हुई थी, मैंने कई उनको भी बताया, सच्ची घटना थी। एक बहुत बड़ा आदमी शरीर छोड़ दिया, उसको चार बेटे थे। जब चारों बेटे
का उनका मिलके उसको बॉडी को दफन करना था। एक आदमी वहां पर पहुंचे, वो दफन होने देने के लिए बात बोला, मैं आपके पिताजी का बॉडी को दफन नहीं होने दूंगा। बोला क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मेरे से 50 लाख रुपए लिया था, तो इसीलिए आप पैसा दे दो, आप दफन कर दो। वो बोला वो पिताजी ने लिया था हमें, हम क्यों, हमको क्यों मांग रहे। बोला आपको भी बताया था, आपको नहीं मालूम? बोला नहीं, लिया था उन्होंने। खैर बहुत उनको समझाता है, कोई नहीं मानता, हम नहीं देंगे, बॉडी ऐसे रखा रहता है, बार बार समझाता है। वो कहते हैं तुम लोग चारों बेटे सक्षम हैं, पैसा है, दे दो, दफन करो पिताजी को, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन ये बात उनकी एक बेटी को पहुँच जाती है मैसेज। उस बेटी को बड़ा खराब लगता है, मेरे अब्बा का पिता का बॉडी को दफन नहीं होने दे रहे हैं। तो आती है, वो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि कैसे भी करके मेरे अब्बा का दफन होने दीजिए, पैसा मैं दे दूँगा। तो उनको लगता है तुम दे दोगे? हाँ। खैर वो अपना जेवर वगैरह बेचती है, जो प्रॉपर्टी वो बेचती है, सब चूड़ियाँ बेचती है, सब बेच के वो देती है पैसा 25 लाख। वो कहती है 25 लाख मैं बाद में दे दूंगी, मेरे पास नहीं है। तो उस व्यक्ति को देखो, चारों बेटे सब कुछ होने के बाद भी आगे नहीं आ रहे हैं और बेटी आगे आगे। तब वो कहता है बेटी से, वो आदमी कहता है देखो तुम्हारा पिताजी ने मेरे को 50 लाख रुपए मेरे से लिया था, लिया नहीं था, उन्होंने मुझे दिया था। अब मैंने सोचा ये पैसा किसको दे दूँ, उसका पात्र कौन है? ये चारों उसको पात्र नहीं है। तो तुम बेटी हो, तुमने चाहा पिताजी को दफन करने के लिए, तो मेरी ये रूह कहता है ये 50 लाख तुम्ही को देना चाहिए। जब संगयुग पूरा होगा, परिवर्तन होगा, तो सत्युग का वर्षे को बाबा किसको देगा? जिन्होंने सत्युग को स्थापना करने के लिए काम किया था। सत्युग पवित्रता के आधार से है, सर्वगुण संपन्न होंगे, गुणों के आधार से हैं, चरित्र के आधार से हैं, है ना, मूल्यों के आधार से हैं। वो सारी तैयारी में जो तन मन धन से लगे हुए थे उन्हीं को तो बाबा सत्युग देगा। या सत्युग के बारे में, रामराज के बारे में बोल रहे हैं, बोलते बोलते आपस में लड़वाते हैं, एक दूसरों के नफरत की भावनाएं पैदा करते हैं, और मेरा धर्म बड़ा इनका नहीं, मेरा छोटा उनका बड़ा, इसमें पड़े हैं, उनसे सत्युग स्थापना होगा, आपसे होगा, बताइए किसके होगा? क्योंकि सत्युग का कंसेप्ट, सत्युग का लक्ष्य, सत्युग का स्वरूप, सत्युग का मूल ढांचा आपको मालूम है, तो बाबा आपके ही द्वारा कराएंगे ना। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, सत्युग जैसा परिवार यहाँ होना चाहिए। सत्युग में कितना सुख शांति, आपस में कितना प्रेम भाव, स्नेह भाव, सहयोग भाव, सभी देवताएं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई रावण का प्रॉपर्टी वाला नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, इतना सुंदर कि जन्म तक ना कोई बीमार, ना कोई ना गंदगी, ना कोई विकार, ना कोई कोर्ट कचहरी, ना कोई अस्पताल, कुछ भी नहीं है। आजकल लोग उल्टा सोचते हैं, क्या कहीं चोरी ज़्यादा हो रहा है तो कहते हैं वहाँ पुलिस थाना खोल दो, चौकी खोल दो। हमारे यहाँ विधायक जी बैठे, उनके पास एप्लीकेशन आता होगा, साहब यहाँ पर एक चौकी खुलवा दीजिए। कोई कहते हैं अस्पताल खुलवा दीजिए। अरे अगर ज़्यादा अस्पताल खुलवा रहे हो, ज़्यादा चौकी खुलवा रहे हो, तो इसका मतलब ज़्यादा समाज को प्रदूषित कर रहे हो। चौकी अस्पताल जितने भी व्यवस्थित कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। जितना कम होगा इसका मतलब अपराध कम हो रहा है, जितना मतलब अस्पताल कम हो रहा है इसका मतलब लोग बीमारियां कम पड़ने लगे। नहीं, सुबह से हम यही सोचते हैं और बढ़ाओ और बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ? अधर्म को बढ़ाओ, तो उनसे कैसे धर्म की स्थापना हो सकती? कितना सुंदर जिम्मेदारी बाबा ने आपको दिया है इस घोर कलयुग में, हम सब मिलकर इतना अच्छा एक संगठन बना करके तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं। अपने आप को कभी सोचो, आप इतना श्रेष्ठ आत्मा, इतने महान आत्मा। कभी कभी हम अपनी श्रेष्ठता को, अपनी महानता को, अपनी ऊंचाई को भूल जाते हैं और एकदम साधारण बन जाते हैं। साधारण सोच, साधारण बातें, साधारण संकल्प। बाबा कहते हैं आप राजा महाराजा
शहजादे शहजादी बनने वालों की सोच कितना ऊंचा होना चाहिए। हमारे सोच में किसी की कोई भी बुराई नहीं दे सकते, हम लोग देख नहीं सकते, चिंतन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। इतनी उच्च क्वालिटी का, इतना हाई क्वालिटी का लाइफ है, क्योंकि आप दाता के बच्चे देने वाले कौन है। एक किसी ने बहुत अच्छा बात बोला, मेरे दिल को छूता है तो मैं शेयर करता हूँ। किसी ने बोला अंग्रेजी में बात, व्हाट आई गिव आई हैव, जो मैं देता हूँ मेरे ही पास है। व्हाट आई गिव आई हैव, जो मैंने दिया वो भी मेरे ही पास है। व्हाट आई हैव आई लॉस्ट, जो मैंने मेरे पास रखा उसको मैंने खो दिया। समझ में आ गया, जो चीज आप देते हैं वो आप ही के पास आएगी लौट के, आपने दिया है बढ़ के आएगा, या जो आपने दिया दे रहे वो भी बढ़ के आएगा, जो अपने पास रख लिया उसको खो जाते हैं। तो ये बाबा आपको दाता के बच्चे बनाकर देने का बनाया, इसीलिए संबंध हमारा आपस में बहुत मीठा होना चाहिए। इतना मीठा होना चाहिए कभी भी नफरत की फीलिंग किसी के प्रति ना हो, हमारे कारण किसी का सिर दर्द ना हो, आपके कारण किसी का, बोलिए अच्छा से बोलिए, क्योंकि हर कोई उनसे हम परेशान है, भाई सिर दर्द है, ये हमारे मुख से नहीं निकले। हमारा अग्रवाल साहब बैठे हुए कभी मैसेज भेजा था, बड़ा अच्छा लगा, बात तो हंसी की है लेकिन मैसेज बहुत सुंदर है, उसका जो संदेश है बहुत सुंदर है। एक बार एक शेठ जी अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, दरोगा ने उसको गाड़ी पकड़ ली, याद है सर, बोला कागज निकालो, तो वो कहता है नहीं मेरे पास कागज है, कहते प्रूफ क्या है दिखा दो, वो अपना अच्छा ताली बजा के स्वागत करे। अब कल्याणपुर की भाई बहने पूरा समझदार हो गए, अब बोलना नहीं पड़ता है ताली बजाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपनी बात पूरा करके भाई साहब को देना चाहूंगा। तो दरोगा जी कहते हैं कागज दिखा, तो कहता है कागज है, वो बोलता है प्रूफ दिखाओ, वो कहता है कि कागज निकाल के दिखाता है, बोले इंश्योरेंस का है, बोला रखा हुआ, वो भी कहता है कि दिखा दो मुझे प्रूफ चाहिए, वो भी दिखाता है, फिर वो पोल्यूशन फ्री वाला वो भी है, बोलते नहीं वो भी दिखाओ, हर चीज वो कहता है दिखाओ तो माने, फिर सारी कागज था उनके पास जाने के लिए कहना चाहिए। तो दरोगा कहते बगल में बैठिए कौन है, वो कहते ये तो मेरे पत्नी है, तो प्रूफ क्या है दिखा दो, हम जैसे थोड़ी के मानेंगे। वो जो आदमी रहता है वो शेर जी धीरे से दरोगा को अलग जगह बुलाता है, भाई आपको पत्नी के लिए प्रूफ मांग रहे हैं, मैं आपको 10 लाख दे दूंगा, मेरी पत्नी से बहुत परेशान हूँ, आप प्रूफ कर दो मेरे पत्नी नहीं है, मैं सुख से रहूँगा। ये संबंधों का हमारे आज का स्वरूप है, ठीक है। बस मैं भाई साहब को अपनी बात पूरा करके देना चाहूंगा, अभी 10 मिनट पहले योग करेंगे, ठीक है। ओम शांति।